अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बड़ा सेक्शन में सटक और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर के बरजुल्ला इलाके में हुई एक भीषण मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकवादी सैफुल्ला समेत 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। सुरक्षा बलों को खुफिया सूचना मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी कि इस इलाके में आतंकवादी हैं, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका तगड़ा जवाब दिया गया और लश्कर के टॉप कमांडर सैफुल्ला समेत 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। ये जो पाकिस्तानी आतंकवादी सैफुल्ला है, इसने हाल ही में हमारे सीआरपी के नाका दल पे 3 बार हमले किए थे। पहले हमले में 1 जवान शहीद हुआ, दूसरे हमले में 2 जवान शहीद हुए और तीसरे हमले को विफल कर दिया गया था। इस सैफुल्ला को ठोक डाला गया और जो लश्कर है, पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, इन सबको तगड़ा झटका दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम देखिए, आप देखिए कि हमारे जो जम्मू कश्मीर में, चाहे पुलिस की बात करें, सुरक्षा बल की बात करें, सेना की बात करें, आपस में इतना बढ़िया समन्वय है कि इस साल का ही अगर हम आंकड़ा देख लें तो 70 से ज्यादा कामयाब ऑपरेशन हुए, 180 आतंकवादी ठोक डाले गए हैं और 138 के आसपास अब तक गिरफ्तार भी किए गए हैं। और अगर पिछले 4-5 दिनों के आंकड़े देख लें तो 4 ऑपरेशन हुए हैं। इन 4 ऑपरेशनों में जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें 10 आतंकवादी मारे गए हैं, बड़ी कामयाबी है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कहा है इस एनकाउंटर के बारे में जो डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने ये आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 5 दिन के अंदर ये 4th कामयाब ऑपरेशन है। 7 तारीख को सुगन शोपियां में ऑपरेशन हुआ था, 9 को कुलगाम में, 10 को पुलवामा में और आज 12 को जो श्रीनगर सिटी का ऑपरेशन। इसमें 10 टेररिस्ट जो हैं वो पिछले 5 दिन में 4 ऑपरेशंस में मारे गए हैं। आज के ऑपरेशन का खास बात यह है कि इसमें लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला, जो पाकिस्तान का रहने वाला है, वो मारा गया है। और सैफुल्ला जो ये पिछले एक के बाद एक 3 मेजर अटैक्स में शामिल था। कैसरबुल्ला बड़गाम में कुछ ही दिन पहले सीआरपी की पार्टी पर अटैक हुआ था, जिसमें एक एएसआई हमारे शहीद हुए थे। कुछ ही रोज पहले 7 तारीख को कंडीजाल में सीआरपी की दूसरी पार्टी के ऊपर अटैक किया था, जिसमें 2 सीआरपी के जवान शहीद हुए और 3 और जख्मी हुए। उसके बाद एक और अटैक कंडीजाल के एरिया में कानवाई के ऊपर किया था। उस कानवाई में जो अटैक था उसको रिपल्स कर दिया गया था। और नौगाम के बगल में जो पुलिस के 2 जवान, आर्मर्ड पुलिस के जो 2 मारे गए थे, उसमें भी सैफुल्ला और आदिल अलियास टिप्पू सुल्तान शामिल थे। आदिल भी एक एनकाउंटर में, पहले ही पुलवामा में सिरहामा में एनकाउंटर हुआ था, उसमें मारा जा चुका है। इस साल में अभी तक 75 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें 180 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा 138 दहशतगर्द और उनके एसोसिएट जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इस साल की ऑपरेशनल अचीवमेंट्स का ये जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, पिछले साल के मुकाबले में जो दहशतगर्द मारे गए उनकी तादाद भी पहले से काफ़ी ज़्यादा है। और जो गिरफ्तार किए गए टेरर एसोसिएट्स और एक्टिव टेररिस्ट, उनकी तादाद भी पहले से काफ़ी ज़्यादा है। एक खास बात और है कि परसों जो इनकाउंटर हुआ उसमें एक दहशतगर्द ने जिंदा अपने आप को सरेंडर किया। जैसा कि हमारी पॉलिसी है कि अगर कोई ऑपरेशन के दौरान सरेंडर करना चाहे, हम बार बार मौका देते हैं,
ये पहला मौका है कि उसमें डोडा के रहने वाला फिरदौस जो मिलिटेंट है उसने सरेंडर किया ऑपरेशन के दौरान। वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और उसकी पूछताछ की जा रही है। दूसरी बात यह है कि साल के सारे ऑपरेशन 75 ऑपरेशन जो हुए वो बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरे नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हुए हैं। सिर्फ बटमालू का ऑपरेशन पिछली बार भी मैंने कहा था कि दुख की बात उसमें एक महिला जो है वो क्रॉस हेयर के दौरान उनकी मौत वाकई हुई थी। उसके अलावा बाकी के ऑपरेशन बड़े साफ सुथरे हुए हैं और लोगों का इसमें भरपूर तामन है, लोग पूरा साथ दे रहे हैं। मैं अपने लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ।